अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर मोहम्मद सतार बाकर अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद एमएस बाकर पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का मौसू है वह बुर्ज सुमला वालों के लिए दिसंबर 2019 कैसा गुजरेगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकम था 8 दिसंबर, इस वक्त संजीदगी से कोई भी नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं, उसके मतलब सोच रहे हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं। ये वक्त नए काम शुरू करने के लिए अच्छा साबित होगा। ये कैफियत सियारगान शायद किसी परेशान कुन मसले को भी हल कर देगी। अगर मुल्क से बाहर रहने या काम करने या वहाँ सेटल होने का कोई प्रोग्राम है तो फिर इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इन मामला से मुतल्लिका अज़्ज़ाज़ के घरों में सफ़र और क़याम का स्यारा मौजूद है, जो कि तवील अरसे तक यही रहेगा और यही चीज़ों पर देरपा फ़ायद लाएगा। मान लें कि आपकी किस्मत इस वक्त चमक रही है। 9-16 दिसंबर, ये वक्त ख़ानदान के तमाम अफराद के साथ तल्लकात बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जिनके साथ आपके तल्लकात ख़राब हैं तो उनसे आप चौकन्ना रहें, वरना खुलकर इख्तलाफात आपके सामने आ जाएंगे। इस हफ्ते शराकती मामलात में 20 स्टार आपके मुआफ़कत में हैं। अगर कोई शराकती कारोबार शुरू करना चाहते हैं इस दौर में तो ये वक्त आपके लिए अच्छा है। वो अफराद जिनकी इस वक्त मंगनी या शादी होगी उन्हें खुशहाली और माली फ़ायदा मिलेगा। शादीशुदा अफराद को भी खुशबख्ती इस वक्त में लाजमी हासिल होगी। इस हफ्ते किसी अहम मामले के मुतल्लक आपका इरादा और सोच तब्दील होती नज़र आ रही है। 17-25 दिसंबर, रोज़गार से मुतल्लक मामलात को शुरू हफ्ता से अहमियत रहेगी। अहम कामों को मुकम्मल करने और कोशिश में तेज़ी लाने के लिए ये वक्त भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हर वो काम जिसके लिए ज़ाती कुव्वत और कार्रवाई की ज़रूरत है, उसकी तसल्ली बख्श नतायज आपके सामने आएंगे और आप कामयाबी से हमकनार होंगे। काम का दबाव बढ़ेगा, ताहम इसे पूरा करने की हिम्मत और तरकीब आपके पास मौजूद होगी। साथ काम करने वालों और मातहतों के साथ तल्लकात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। 26-31 दिसंबर, इस हफ्ते में अगर आपके ख़ानदान और दोस्तों और पार्टनरों के साथ मामूली नौयत के इख्तलाफात पैदा हों तो बराए मेहरबानी उनको राय का पहाड़ बनाने से परहेज करें, वरना आगे जाके आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। शराकती मामलात का स्टार आपके मुतल्लिका घर में दाखिल हो जाएगा। तमाम करीबी तल्लकात को मजबूत बनाने में आपकी बेबहा मदद करेगा। ये हफ्ता उन अफराद के लिए बहुत सारी उम्मीदें पूरी कर देगा जो शादी के मतलब सोच रहे हैं या शादी करना चाहते हैं। शादी के मतलब बहुत सारी उम्मीदें आपकी इस हफ्ते पूरी हो जाएंगी। मोहब्बत के मामलात के लिए साल के अख्ताम का वक्त बहुत ज़्यादा मुनासिब रहेगा। महबूब महबूबा से मुलाकात और तलाक़ात में बढ़ाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।